मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज मैं ट्रेड थ्योरी वेल्डर से चैप्टर वन को पढ़ाने जा रहा हूं कि चैप्टर वन में आपका वेल्डिंग ट्रेड परिचय में क्या क्या आता है और इसके बारे में आप जान पाएंगे कि इसमें क्या क्या जो है नॉलेज दी जाती है वेल्डर ट्रेड में। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पर। अपने टॉपिक पर आने से पहले एक बार फिर से आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अब आते हैं अपने चैप्टर पे। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेल्डिंग ट्रेड परिचय, वेल्डिंग ट्रेड इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम जानते हैं कि वेल्डिंग यह एक तकनीक है जिसके द्वारा हम धातुओं को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं, अर्थात वेल्डिंग वह क्रिया है जिसके द्वारा हम धातुओं को एक उचित तापमान पर दबाव या बिना दबाव के जोड़ सकते हैं। जोड़ की खाली जगह को भरने के लिए हम लोग फिलर मेटल का प्रयोग करते हैं। फिलर मेटल का जो गलनांक होता है वह जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांक से कम होता है। अब है कि वेल्डिंग का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों में या उद्योगों में किया जाता है, जैसे रेल, हवाई जहाज के निर्माण के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां, भवन निर्माण, पुल बनाने में, बांध, अंतरिक्ष उद्योग, फर्नीचर बनाने के लिए, भारी उद्योग, खनिज पदार्थ उद्योग, साइकिल उद्योग, भारी मशीन बनाने के लिए, छोटे उद्योगों में पुराने ढांचे इत्यादि को उखाड़ने के लिए, रिपेयर या मरम्मत के लिए, जिग फिक्चर बनाने के लिए, बिजली व दूरदर्शन के टावर स्थापित करने के लिए। तो कुल जो है इतने तरह के इसके अलावे भी जो है कार्य वेल्डिंग के द्वारा किए जाते हैं, वेल्डिंग का वहाँ उपयोग होता है। अब जानते हैं कि मेटल पार्टों को जोड़ने की विधि क्या है। तो देखिए, इसकी दो विधि है, एक अस्थायी विधि जिसको हम टेम्प्रोरी मेथड कहते हैं। इस विधि में मशीन पार्टों को जोड़ने के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे पार्टों को खोलने में भी सुरक्षित रखते हैं, जैसे नट, बोल्ट, स्टड, की, कॉटर, स्क्रू आदि। ये सब के बारे में जब मैं आपको फास्टनर चैप्टर पढ़ाऊँगा वहाँ पर बताऊँगा। अभी मैंने बता दिया कि अब हम लोग जो भी पार्ट्स को जोड़ते हैं वो दो विधि है, एक है टेम्प्रोरी फास्टनिंग और दूसरा है परमानेंट। तो टेम्प्रोरी में क्या होता है कि जो पार्ट्स हम जोड़ते हैं उसमें अगर हम आसानी से अलग कर सकते हैं, कहने का मतलब कि असेंबल और डिसेंबल हम आसानी से करते हैं जिसमें मेरा दोनों पार्ट्स जो है सुरक्षित रहता है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अर्धस्थायी सेमी परमानेंट मेथड। इसमें ऐसे फास्टनर का प्रयोग किया जाता है जिन्हें पार्ट से खोलने या अलग करने पर स्वयं खराब हो जाते हैं लेकिन जॉब या पार्ट खराब नहीं होता, जैसे रिवेटिंग और सोल्डरिंग। अगर मान लीजिए कि रिवेटिंग किया हुआ या सोल्डरिंग किया हुआ तो वहाँ पर से जब हम उसको अलग करेंगे तो जो हमारा रिवेट या सोल्डर यूज हुआ है वो मेरा खराब हो जाएगा लेकिन मेरा पार्ट्स खराब नहीं होता है। तीसरा जो हमारा वो परमानेंट मेथड है, अस्थाई विधि। ऐसे फास्टनर्स जिन्हें यदि पार्ट्स अलग करना हो तो पार्ट या बंधन दोनों ही खराब हो जाते हैं, जैसे वेल्डिंग या आपका प्रेजिंग। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया, ये देखिए तीन विधि को बताई, परमानेंट विधि जो वेल्डिंग में यूज होता है। अब आगे जो है बढ़ते हैं कि वेल्ड की हुई धातु तथा रिवेट या ढलाई की हुई जॉब में अंतर क्या होता है। तो वेल्ड जॉब या रिवेटेड जॉब या कास्ट जॉब में अंतर क्या होता है। यह जॉब अस्थायी रूप से जोड़ी गई है, रिवेटेड जॉब अस्थायी रूप से जोड़ी जाती है। वेल्डिंग करने के लिए किसी प्रकार की गणना नहीं करनी पड़ती है, लेकिन रिवेटिंग करने के लिए जोड़ी जाने वाली जो है होल्स, उसका डायमीटर क्या होगा, होल्स की संख्या कितनी होगी, इसकी गणना की जाती है। इसके लिए किसी प्रकार के पैटर्न की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ढलाई करने के लिए जॉब के लिए पैटर्न की आवश्यकता होती है। वेल्ड किए जॉब भार में हल्के होते हैं जबकि ढलाई हुए पार्ट भारी होते हैं। इसके द्वारा अधिक भार सहन किया जाता है, इसके द्वारा अधिक भार सहन नहीं किया जाता है। और आपका है इसके बाद है, इसे तैयार करने में कम समय लगता है, इसे बनाने में अधिक समय लगता है। यह झटके सहन कर सकते हैं लेकिन ये झटके सहन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यह देखने में सुंदर होता है या अधिक सुंदर नहीं दिखता है। इन्हें आसानी से सख्त या नॉर्म किया जा सकता है, इनमें उष्मा उपचार करना कठिन होता है। वेल्डिंग कभी भी की जा सकती है लेकिन रिवेटिंग वर्कशॉप में ही की जाती है। वेल्डिंग सस्ती होती है, ढलाई व रिवेटिंग महंगी होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में।
वेल्डिंग तकनीक में। अब है कि वेल्डिंग का लाभ क्या है। वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु के बने पार्ट या वस्तुओं को आसानी से जोड़ा जा सकता है। दूसरा लाभ है, इसके द्वारा एक समान धातुओं या दो अलग अलग धातुओं को आपस में जोड़ा जाता है। तीसरा है कि वेल्डिंग से समय की बचत होती है। चौथा है, टूटे पार्टों को वेल्डिंग द्वारा कम खर्च से अधिक समय तक चलाया जा सकता है। पाँचवा लाभ है कि वेल्डिंग द्वारा जोड़ की ताकत मूल्य धातु जितनी होती है। उसके बाद छठा है कि विद्युत ट्रांसफार्मर, टीवी टावर तथा भारी कारखानों का स्थापना का अधिकतर कार्य वेल्डिंग द्वारा ही संभव है। सातवां है कि समुद्र के अंदर भी वेल्डिंग की जा सकती है। अब वेल्डिंग से हानियां क्या है, तो वेल्डिंग करते समय व करते वक्त आने वाली चमक तथा उससे जो निकलता है अल्ट्रावायलेट रे व धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसके बाद वेल्डिंग उपकरण बिजली द्वारा चलाए जाते हैं, अतः इन्हें प्रयोग करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। तीसरा हानि है कि वेल्डिंग की प्रक्रिया केवल कुशल कारीगरों द्वारा ही की जा सकती है। चौथा इसमें हानि है कि वेल्डिंग करने के बाद कुछ पार्टों का ऊष्मा उपचार करना पड़ता है। उसके बाद पांचवा है कि वेल्डिंग करते समय तापमान बहुत अधिक हो जाता है, जिससे वेल्ड किए जाने वाले पार्टों की सतह की अंदरूनी बनावट बदल जाती है। अब हम जानते हैं कि वेल्डिंग शॉप में होने वाले मुख्य उपकरण, तो वेल्डिंग शॉप में जैसे वाटर सील, उसके बाद वेल्डिंग गॉगल्स, सेफ्टी वाल्व एप्रॉन, उसके बाद जो है लेदर एप्रॉन, लेदर जो है ग्लव्स, उसके बाद बैक जो है प्रेशर वाल्व, उसके बाद लेग गार्ड, वेल्डिंग बूथ, स्पार्क अरेस्टर, उसके बाद फायरिंग एक्सटिंग्विशर, तो ये सब जो है आपको सेफ्टी डिवाइस हमेशा यूज करने होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर या आग बुझाने का एक यंत्र है जिसे आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे वर्कशॉप में उचित स्थान पर लटका देते हैं। इसमें आग के अनुसार गैस व रसायन भरे होते हैं। एक प्रकार का जैसे CTC फायर एक्सटिंग्विशर, फोम एक्सटिंग्विशर, सोडा एक्सटिंग्विशर। इसके बाद जानते हैं हम लोग आर्क आई होता क्या है। तो आर्क वेल्डिंग करते समय नंगी आंखों से कुछ सेकंड तक आर्क लाइट देखने पर आंखें खराब होकर सूज जाती है। इसमें पानी आता है तथा दर्द काफ़ी होता है। इसी तकलीफ या दुख को आर्क आई या फ्लैश कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है रेडिएशन संकट। वेल्डिंग करते समय एक्सरे और गामा रे की भांति लंबी वेवलेंथ की विकिरण उत्पन्न होती, जिसे रेडिएशन कहते हैं। इससे बचने के लिए वेल्डर को चमड़े की जैकेट, एप्रॉन, ग्लव्स आदि पहनना चाहिए। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जो हम लोग देख लेते हैं। जैसे वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है, तो वेल्डिंग हमारा जो होता है, आपने इस चैप्टर को पढ़ा, तो क्या अस्थाई जोड़ है, अस्थाई जोड़ है, अर्धस्थाई जोड़ है, इनमें से कोई नहीं। तो वेल्डिंग हमारा क्या है, अस्थाई जोड़ है, जो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है, चलिए ऑप्शन ए। उसके बाद जो है वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के सुराख का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आयताकार, चूड़ीदार और आपका गोलाकार, चौड़ा। तो कह रहा है कि वेल्डिंग के लिए किस प्रकार का सुराख का जो है उपयोग किया जाता है, तो गोलाकार जो है सुराख इसमें किया जाते हैं। उसके बाद फिलर मेटर का जो गलनांक जोड़ी यानी धातु के गलनांक से क्या होता है, अभी ऊपर हमने बताया था। तो फिलर मेटल का जो गलनांक होता है जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए को टिक मार लीजिए, ऑप्शन ए हमारा सही है। उसके बाद अब देख लेते हैं इधर आपका ये ब्रेजिंग किस प्रकार का जोड़ है। अब देखिए ब्रेजिंग क्या है, अस्थाई है, अर्धस्थाई है, अस्थाई है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रेजिंग भी हमारा अस्थाई जोड़ है, क्योंकि ब्रेजिंग अब हम जो फेरस मेटल हैं उसको वेल्डिंग हम कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, नॉन फेरस मेटल होते, इसलिए यहाँ पे ब्रेजिंग किया जाता है, जिसमें एक स्पेल्टर के रूप में कॉपर वायर यूज होता है। जिसमें हम लोग वेल्डिंग में हम लोग फिलर मेटल, फिलर रॉड यूज करते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग स्पेल्टर यूज करते हैं ब्रेजिंग में। तो ये अभी एक अस्थाई जोड़ है। उसके बाद ब्रेजिंग के लिए आपका जो है ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन है पेट्रोल, तेल मिश्रण, सुहागा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ब्रेजिंग के लिए हम लोग फ्लक्स के रूप में सुहागा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा है
कि शोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, तो आपको पता होना चाहिए ए में है लैड टिन, बी है तांबा लोहा, सी है लैड तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो लैड और टिन का उपयोग जो है हम लोग शोल्डर में यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यहाँ पर हमने चैप्टर वन को बताने की कोशिश की है ताकि, और इसको मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।